बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th इन मैट्रिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैज टू स्क्वायर रूट्स, वन पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड वन नेगेटिव स्क्वायर रूट। The positive square root is sometimes referred to as the principal square root. The reason that we have two square root is exemplified above. The product of two numbers is positive if both number have the same sign as in the case of square and square root. कोई भी number positive या negative हो उसका square root हम लोग निकाल सकते हैं। The positive both number, अगर दोनों positive both number the same sign हो in the case of square root उसका जो है वो principal of square root कह सकते हैं उसको। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी स्क्वायर ए, ए स्क्वायर का मतलब है ए दो दफ़ा ए, ए इंटू ए माइनस माइनस क्या है तो स्क्वायर रूट ऑफ रिटन विद अ ए, ए में रेडिकल में आप ए लिख लेंगे। रेडिकल मतलब अंडर रूट वाला सिंबल, रेडिकल सिंबल है एंड द नंबर आर एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल नंबर। ए जो है हम इसके अंदर लिखेंगे, बिलो डिनोटेड ए इस कार्ड जो भी ए के नीचे डिनोट करेंगे वो कार्ड रेडिकेंड होगा। We said that 9 was the square of 3. The square of minus 3 is 9 as well. Minus 3, 2 is equal to, meaning minus 3 square is equal to, meaning minus 3 2 times is equal to 9. 3 and minus 3 are said to be the square root of 9. Exercise 2.5. Simplify. Question number 1. Under root 169. 169 under root ko agar hum log 13 into 13 karenge, तो ये 169 हो जाएगा। तो अंडर रूट में से ये पेयर यानी वन अंडर रूट अगर 169 का निकालें तो 13 आ जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 180 को अगर हम लोग इसे डिजिट्स में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, 2 टू टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा से 36, 36 फाइव सा 180। तो ये अंडर रूट 80 के जो हैं ये जो है वो डिजिट्स आ जाएंगे। तो 2 और 3 कॉमन है तो 2 इंटू 3 आ जाएगा कॉमन, और अंडर रूट 5 अंदर ही रह जाएगा तो 3 टू सा 6 और अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट जो में दो कॉमन है जैसे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है तो 1 टाइम्स इनको नीचे लगेंगे, और अंडर रूट 5 एक ही है तो उसको अंडर रूट 5 में रखेंगे, 3 टू द 6 और अंडर रूट 5, ये सिंपलीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12। इन दोनों का अगर अंडर रूट निकालें तो दोनों एक जैसे हैं, 12 इंटू 12 तो इसका पेयर में से एक हम लोग यानी सेम है, पेयर है एक 12 का तो हम लोग एक अंडर रूट में से 12 एक बाहर आ जाएगा, यानी कि सिंपल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 12, तो 16 इंटू अंडर रूट 12 को अगर हम लोग तोड़ें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा अगर हम देखें 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64 और 64 थ्री ज़ा 192। तो इससे हम लोगों ने इसको अलग अलग तोड़ा हुआ है तो 2 2 का पेयर निकलेगा, 2 कॉमन 2, दो दूसरा भी कॉमन 2, 3 टाइम्स कॉमन 2 है और अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 अंडर रूट 3, सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 21। अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 21, 14 का अंडर रूट है 7, 21 2 7 3, ये अंडर रूट निकलेगा 21 का, तो 7 7 पेयर में आ गया और 3 टू ज़ा 6, तो हमारे पास 7 जो पेयर में है वो बाहर आ जाएगा रेडिकेंड में और अंडर रूट 6 अंदर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 5, अंडर रूट 5, 15 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, 15 का अंडर रूट निकालेंगे 5 इंटू 3, तो अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 5, तो 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 18 अपॉन अंडर रूट 8, 18 अपॉन अंडर रूट 8 इंटू 8 अंडर रूट 18 अपॉन 8, 18
रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज मतलब कि जो रियल होल नंबर के साथ जो रेशियोज में आ रहे हों वैल्यूज, उसको रेशनलाइज करेंगे। जैसे अभी ये अंडर रूट में है तो हम लोग उसको कैसे क्लियर करेंगे, 18 अंडर रूट 18 और अपॉन 8 अंडर रूट 18 कॉमन है नीचे, तो इसको एक ही अंडर रूट 18 में हम लोगों ने लिख लिया। 18 अंडर रूट 18 और 18 18 का पेयर हम लोगों ने नीचे लिखा है, 18 18 आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर बची हमारे पास ओनली अंडर रूट 18। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूट 28 अपॉन अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 अपॉन अंडर रूट 7, 2 इंटू 2 कॉमन निकल के आ गया और 7 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 और इस तरह से ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 ब्रैकेट में 5 और माइनस 2 को हम लोग इस तरफ लेकर, जो अंडर रूट 8 कॉमन है, कॉमन को हम लोगों ने यहाँ पर रखा और 5 माइनस 2 साथ किया, तो 5 माइनस 2 कितने हुए, 3, और अंडर रूट 8 3, अंडर रूट 8। 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कॉमन, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, अंडर रूट 5 आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है कि 34 अंडर रूट 23 प्लस 38 अंडर रूट 23, अंडर रूट 23 34 प्लस अंडर रूट 23 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो 34 प्लस 38 करेंगे तो 7। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर पेज, और आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर भेजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू सो मच।